पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि बेबी के टीथ देरी से क्यों निकलते हैं। जी हाँ, मैंने आज सोचा कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरी बेबी के अभी टीथ नहीं निकले हैं, 1 ईयर कंप्लीट कर चुका है या 11 मंथ का हो चुका है, टीथ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं इसको इसका आंसर जो कमेंट करके सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे सकती थी, मुझे लगा कि मैं आपको एक वीडियो बना कर दूँ जिसमें कि मैं सारी क्वेश्चंस रखूँ और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बेटर तरीके से दूँ, जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसलिए ये वीडियो मैंने आज बनाई। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए पेरेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर 1 साल तक बेबी के टीथ नहीं निकल रहे हैं तो आप परेशान ना हो, ये जेन्युइन है। बहुत से बच्चों में ऐसा होता है कि जो टीथ हैं वो समय पे निकल आते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे जो बहुत ऐसे होते हैं जिनके जो टीथ हैं वो समय पर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, अगर आपका बच्चा 13 मंथ का हो चुका है फिर भी बेबी के टीथ नहीं आए हैं, तब आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। लेकिन 11 मंथ है या 1 ईयर का है तो तब तक आप ना घबराएं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर 13 मंथ तक बेबी के टीथ नहीं निकले हैं तो ऐसे में आपको डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम चलिए बात करते हैं क्या क्या रीजन्स हैं जिनकी वजह से बेबी की टीथ समय पर नहीं निकल पाती। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, नंबर 1 जो मेन रीज़न है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स के टीथ भी काफ़ी देरी से निकलते हैं। तो अगर उनके बेबी हैं जो हुए हैं उनके भी टीथ देरी से निकलेंगे, इसको हम बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण यानी हेरिडिटरी, ठीक है, आनुवांशिकता। यानी जैसे हमारे माता पिता के टीथ निकले होंगे जिस समय पर, या लेट निकले होंगे या जल्दी निकले होंगे, तो वही रीज़न हमारे बच्चों पर भी लागू होता है। वो उसमें भी यही होगा कि हमारे बच्चों के टीथ देरी से निकलेंगे अगर पेरेंट्स के टीथ भी देरी से निकले हैं, या मम्मा के निकले हैं या उनके पापा के निकले हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है आनुवांशिकता, ठीक है, हेरिडेटरी, ठीक है, कि अगर पेरेंट्स के भी टीथ देरी से निकले तो बच्चों के भी निकलेंगे। अगर ऐसा कुछ रीज़न है तो आप अपने पेरेंट्स के हिस्ट्री में जाकर देख लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे के दांत देरी से क्यों निकलना है, ठीक है। सेकेंड हम बात करेंगे, सेकेंड रीजन्स है कि बच्चों के जो गम्स होते हैं इनका थोड़ा मोटा होना, ठीक है। कभी कभी किसी किसी बच्चे के जो गम्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं तो उनमें इजीली से दांत निकल आते हैं समय पर, लेकिन किसी किसी बेबी में क्या होता है कि जो गम्स होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं और बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, तो उसकी वजह से भी टीथिंग प्रोसेस थोड़ी धीमी चलती है, थोड़ी देरी से भी बच्चों के दांत निकलते हैं। तो एक ये भी रीज़न है, ठीक है। थर्ड मैं आपको बात बताऊँगी कि ऐसा भी डॉक्टर बोलते हैं, ये भी एक जो रीज़न है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से भी टीथ नहीं निकल पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड है वो ठीक से विकसित नहीं हो पाती है, जो कि यहाँ पर होती है, जिसका कि मेन रीज़न होता है कि हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड होती है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बेबी में हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स पाए जाते हैं और जो बच्चों के मसूड़े हैं उनमें से दांत ठीक से नहीं निकल पाते, तो ये भी एक मुख्य कारण होता है। जो कॉमन है और उसको स्ट्रॉन्ग रीज़न भी बोल सकते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में आपने डॉक्टर द्वारा जो प्रेस्क्राइब्स जो टैबलेट्स होती हैं, जैसे कैल्शियम की हैं, आयरन की हैं, प्लस अगर आपने दूध वगैरह ये सब चीज़ें कम खाई हैं, तो वो डिफिशियंसी आपके बेबी के अंदर भी आ जाती है। अगर आपने ये सब चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं ली हैं ड्यूरेशन प्रेगनेंसी, तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारे बच्चे पर भी पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद जब बेबी आपका हो गया तो उसमें ऑलरेडी ही कमियां आएंगी कैल्शियम की, और जब उसने जन्म ले चुका है तो कभी कभी क्या करते हैं पेरेंट्स, अपने बच्चे को गाय का दूध देना स्टार्ट कर देती हैं,
तो गाय के दूध में मैं आपको बता दूं, आयरन और जो कैल्शियम है बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसके वजह से भी बेबी के अंदर जो प्रॉपर कैल्शियम जाना चाहिए वो नहीं जा पाता है। तो उससे क्या होता है कि बेबी के जो दांत जल्दी आएंगे वो देरी से आती हैं, ठीक है। जब अंदर ठीक से कैल्शियम बेबी के गया ही नहीं तो टीथ आने में प्रॉब्लम होगी, प्लस उसके जो बोन्स हैं वो भी वीक रह जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग रीजन होता है पुअर कैल्शियम इन द बॉडी ऑफ द बेबी, ठीक है। कि अगर बेबी के अंदर कैल्शियम की कमी है तब भी उसके टीथ सही समय पर नहीं निकल पाएंगी। तो ये चार पांच मुख्य मेन रीजंस मैंने आपको बताए, अनुवांशिकता, हाइपोथायरॉयडिज्म, पुअर कैल्शियम, ठीक है। तो ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से बच्चे के जो दांत निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से बेबी के दांत थोड़ी देरी से निकलती हैं। तो आप घबराएं नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो आप क्या करें, अगर कैल्शियम की कमी है तो बेबी को प्रॉपर वे में कैल्शियम देना स्टार्ट कर दें, उसको अपनी ब्रेस्ट फीड कराएं, या अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाते हो तो आप उसको फॉर्मूला मिल्क ज़रूर दें, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें होती हैं। उसमें कैल्शियम मिल जाएगा आपको, आयरन मिल जाएगा, विटामिन्स मिल जाएंगी, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो आप फॉर्मूला मिल्क बेबी को दें, काऊ मिल्क ना दें, क्योंकि काऊ मिल्क में ना तो आयरन होता है और कैल्शियम भी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखोगे तो बेबी के टीथिंग में कोई परेशानी नहीं होगी। प्लस अगर बच्चे के जो गम्स हैं वो थोड़े हार्ड हैं या थिक हैं, तो उसके लिए आप एक, मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ जो कि हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं, कि बेबी के नेक में आप एक छुहारा लेकर बांध दीजिए, ठीक है। एक धागे में छुहारा लेकर बांध दीजिए और उस छुहारे को आप बेबी को च्विंग करने के लिए उसको थोड़ा सा मोटिव कीजिए, तो वो उसको जितना च्विंग करेगा उसको आदत पड़ेगी च्विंग करने की, तो कुछ ना कुछ अगर वो च्विंग करता रहेगा तो उसके मसूड़ों की मसाज अच्छे से होती रहेगी और उसके टीथ आसानी से निकल आएंगे। साथ में आप उसे गाजर काट कर दे दें, गाजर काट कर उसको दे देंगे तो वो भी उसको खाएगा, आराम से च्विंग करेगा, तो च्विंग करने से उसके टीथ जल्दी से निकल आएंगी। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें कि आप गाजर दे सकते हैं, उसके नेक में एक छुहारा बांध दें तो उसको भी वो च्विंग करता रहेगा, बार बार च्विंग करेगा, या कुछ ऐसे च्विंग टॉयज उसको दे दीजिए जो कि साफ़ सुथरे हों, अच्छे हों, उनको भी वो च्विंग करेगा तो उसके टीथ आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। तो आप पेरेंट्स परेशान ना हो, मैंने कारण भी बता दिया और उनका सॉल्यूशन भी बता दिया है। और अगर 13 मंथ तक या 12 मंथ तक आपका बेबी हो चुका है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें कि क्या रीज़न से क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है इसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम बेबी के अंदर हो, ठीक है। तो आप अपने डॉक्टर से भी पूछ लें एक बारी तो बेटर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताई, सारी बातें मैंने आपको बताई, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय पेरेंट्स।